हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित। मैं आज आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ट्रिक लाया हूँ, जिसमें आपको काफ़ी जीएसटी के बारे में बताऊंगा और टैक्स पे के बारे में बताऊंगा। क्योंकि मैंने इससे पहले एक और वीडियो डाली थी, उसमें मैंने आपको सिर्फ साधारण एंट्री ही बताई है, और उससे पहले जो उससे दूसरी वीडियो डाली है उसमें मैंने सिर्फ एंट्रीज के बारे में एंट्रीज की शॉर्ट की बताई है बस। इसमें आज मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लाया हूँ जो है टैली ऑन जीएसटी, मतलब इसकी मैंने आपको आज मैं जीएसटी स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें आपको जीएसटी के बारे में बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना है, जीएसटी कैसे लगेगा कैसे नहीं लगेगा, और टैक्स पे की पहले एंट्री बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको टैक्स पे की आज एंट्री बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको जीएसटी बताऊंगा, ठीक है। पहले टैक्स पे की एंट्री करते समय क्या करना है ये देखिए। कंपनी ने राकेश से 1 लाख रुपए लिए, किसने लिए, इसने इसका पढ़ने का तरीका काफी चेंज है, बहुत चेंज है ये दोनों एंट्री, पढ़ने का तरीका भी चेंज है और इसे करने का भी तरीका चेंज है। पर्टिकुलर में 2 CR 1 DR आता है या फिर ऐसा कुछ नहीं है। देखो, अगर 1 CR आ रहा तो DR 2 DR आते हैं, और अगर 2 DR आ रहा है तो 1 CR आता है, ऐसा कुछ ऐसा है नहीं कि वो जरूरी है कि 2 CR आए, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, 2 DR भी आ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता रहा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए पर्टिकुलर में थोड़ा चेंज है, पर्टिकुलर में चेंज है और ये पढ़ने का तरीका इसका बहुत चेंज है, ये बहुत कंफ्यूज करने वाला है। क्या करना है, बहुत कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि इसलिए हम आपको करके दिखा दे रहा है कि कंपनी ने राकेश से 1 लाख रुपए लिए, किसने लिए, कंपनी किसकी है, कृष्णा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, मैंने आपको खुद नाम दिया था, आप कोई और कंपनी का नाम दे सकते हैं, मैंने माना कि कृष्णा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ने राकेश से 1 लाख रुपए लिए, फिर उसी पर जिस पर 10,000 ब्याज प्राप्त हो, मतलब उसने 10,000 रुपए का ब्याज लगा के ब्याज लगा के उससे प्राप्त किया, ठीक है। कंपनी ने 1 लाख रुपए लिए, उससे 10,000 रुपए का ब्याज प्राप्त कर दिया, ठीक है, ब्याज भी लिया है उससे। तो इसे किस तरह करेंगे, देखिए बाउचर लेजर ग्रुप, ये हमारे चेंज कभी नहीं होते, ठीक है। बाउचर की जगह बाउचर रहेगा, लेजर की जगह लेजर रहेगा, ग्रुप की जगह ग्रुप रहेगा, ऐसा कुछ नहीं कि ग्रुप हट जाए, ऐसा कुछ होता नहीं कि लेजर हट जाए, ऐसा कुछ है नहीं कि बाउचर हट जाए, नहीं, ये तीनों रहते हैं, साथ रहती है, बाउचर रहता है, लेजर रहता है, ग्रुप रहता है, और इन्हें देना बहुत जरूरी है, ठीक। अब है रिसिप्ट, रिसिप्ट को किस तरह से करना है, रिसिप्ट की शॉर्ट की मैंने आपको बताई थी एफ सिक्स है, ठीक है। पेमेंट देखिए, कॉन्ट्रा F4, पेमेंट F5, रिसिप्ट F6, और रिसिप्ट F6 है, जर्नल F7 है, सेल्स F8 है और परचेस F9 है, ठीक है। तो ये है क्या है रिसिप्ट, क्या है ये रिसिप्ट, तो इसकी शॉर्ट की मैंने बता दी आपको F6 है। अब इसके बाद अब लेजर किसका बनेगा वो देखिए, कंपनी ने राकेश से 1 लाख रुपए के लिए जिस पर 10,000 रुपए का ब्याज प्राप्त है, वो क्या कर रहा इंटरेस्ट कर रहा, तो इंटरेस्ट रिसीव कर रहा, मतलब इंटरेस्ट रिसीव कर रहा, ठीक है। अब इसके बाद अपना ग्रुप, ग्रुप में क्या है, इनडायरेक्ट इनकम क्यों आया, देखिए इनडायरेक्ट एस, देखो सबसे पहले इसको पढ़ो, कंपनी ने राकेश से 1 लाख रुपए लिए जिस पर 10,000 रुपए का ब्याज प्राप्त है, क्या है, 10,000 रुपए का, कितने का, 10,000 रुपए का ब्याज प्राप्त है, वो क्या है, ग्रुप, इसका ग्रुप ढूंढना है, क्या करना है, ग्रुप ढूंढना, तो क्या है, इनडायरेक्ट इनकम, ये डायरेक्ट इनपैक्ट तो है नहीं, क्या है, इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कंपनी ने LIC पॉलिसी में 5 लाख रुपए किए, LIC पॉलिसी में, आपको फिर से बता दे रहा हूँ, आपको ये वाली एंट्री फिर से बताऊंगा, पहले ये वाली आप देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी ने LIC पॉलिसी में 5 लाख रुपए के लिए 5 लाख रुपए किए, ठीक है, जिस पर 50,000 रुपए का ब्याज प्राप्त है, कितने का है, 50,000 रुपए का, तो इन्वेस्ट कर रहा जिस पर उसे कितना 50,000 रुपए मिलेगा, ठीक है। तो क्या है कि बाउचर है F6, मतलब रिसिप्ट, मैंने इसीलिए यहां पर रिसिप्ट लगा, इसलिए मैंने यहां पे शॉर्ट की लिख दिया इसकी F6। अब क्या कर रहा थी, इंटरेस्ट रिसीव कर रहा, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव कर रहा। अब इसका ग्रुप, ग्रुप है इनडायरेक्ट इनकम, क्या है, इनडायरेक्ट इनकम ठीक है। कंपनी के ऐसे खर्चे जो उसके, मतलब जो उसकी बहुत अहम उपयोगी हुए, ठीक है,
इनडायरेक्ट इनकम है। अब अपना अब आ रहे हैं पर्टिकुलर में, किसमें आए पर्टिकुलर और पर्टिकुलर, मैं दोनों को साथ समझा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं चीजें दोनों। अब अपना पर्टिकुलर, इसको फिर से पढ़िए। कंपनी ने राकेश से 1 लाख रुपए लिए जिस पर 10,000 रुपए का ब्याज प्राप्त है, ठीक है। कंपनी ने किससे लिए, कंपनी ने राकेश से, ठीक है। तो कितना पर्टिकुलर, क्या है पर्टिकुलर, पर्टिकुलर में सीआर है डीआर है, यहाँ पे एक सीआर दो सीआर और एक डीआर, मैंने क्या कहा था एक सीआर दो सीआर तीन डीआर। क्रेडिटर क्रेडिटर ड्रेबिटर, क्रेडिटर क्रेडिटर ड्रेबिटर, क्रेडिटर क्रेडिटर ड्रेबिटर, क्रेडिटर क्रेडिटर ड्रेबिटर, ठीक है। क्रेडिटर देने वाला, डेबिटर लेने वाला, ठीक है। क्रेडिटर देने वाला और डेबिटर लेने वाला, या फिर ऐसे कह सकते जो कि हमारा वो क्रेडिटर है वो गिवर है और जो डेबिटर है वो टेकर है, ठीक है। तो क्या है इसमें, सीआर कौन है, दे रहा राकेश कंपनी, उसे दे रही ना कंपनी, ले रही किससे, ले रही राकेश से, दे कौन रहा राकेश दे रहा, ठीक है। तो क्या आएगा राकेश क्रेडिटर में। अब इंटरेस्ट रिसीव कंपनी ने किससे कर रहा, इंटरेस्ट से रिसीव से कर रहा, ठीक है, तो क्रेडिटर में। डायरेक्टर इनडायरेक्ट इनकम, जिसकी डायरेक्ट इनकम तो है नहीं, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम है, क्यों, सिर्फ ब्याज प्राप्त होगा, इसमें ब्याज है तो वो इनडायरेक्ट इनकम है। अब इसके बाद है ये, इसमें एलआईसी पॉलिसी में 5 लाख रुपए की है, ठीक है, एलआईसी पॉलिसी में। तो क्रेडिटर है एलआईसी पॉलिसी, क्या है क्रेडिटर है एलआईसी पॉलिसी, क्यों, क्योंकि वो कंपनी ने एलआईसी पॉलिसी में 5 लाख रुपए डाले, 5 लाख रुपए डाले हैं मतलब एलआईसी पॉलिसी की। तो ले कौन रहा एलआईसी, नहीं ले कौन रहा कंपनी, दे कौन रहे एलआईसी, तो देने वाला क्रेडिटर एलआईसी। सीआर में इंटरेस्ट रिसीव और डीआर में इनडायरेक्ट इनकम। अब हम टैक्स पे से, टैक्स पे की आपको अगर समझ में ना आयो तो मैं इससे पहले मैं आपको फिर से एक बार और बता देता हूं कि बहुचर लेजर ग्रुप, बस इन दोनों पे ध्यान देना है और आपको इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ना है, आपको ये जरूर कर लोगे, ऐसा कुछ है नहीं कि अपन से बड़ी हो जाएगी, कभी अपन लोगों से कभी बड़ी हो नहीं सकती, ऐसा कुछ भी है नहीं है जी। कंपनी ने राकेश से, पता है आपको कैसे करना है किस तरह से नहीं करना है, कंपनी ने एलआईसी पॉलिसी में किस तरह से करना है किस तरह से नहीं करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ टैली ऑन जीएसटी, मतलब जीएसटी के बारे में आपको पूर्णतः बता देता हूँ जीएसटी है क्या। पहली बात तो जीएसटी कब लागू हुई थी, जीएसटी के बारे में बताता हूँ, जीएसटी हुई थी 30 जून को, कितने जून को 30 जून को, 30 जून को आधी रात ठीक 12 बजे हुई थी, या आप ऐसा भी कह सकते 1 जुलाई को हुई थी, ठीक है, जीएसटी 1 जुलाई को। अब कहां पे हुई थी, सांसद भवन में हुई थी, कहां पर हुई थी सांसद भवन में हुई थी, किसने की थी प्रणब मुखर्जी और हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक साथ बटन दबाकर इसे लॉन्च किया था, ठीक है। अब जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। अब जीएसटी को किस तरह लगाना है किस तरह नहीं लगाना है, पहले आप ये समझ लीजिए कि देखिए जीएसटी को पहले तो जीएसटी आपने की एंट्री इस तरह से है, एंट्री हम आपको बता दे रहे हैं किस तरह से है। एंट्री करते एंट्री पहले सबसे पहले जीएसटी को करने के लिए आपको आपको हम बता दे रहे हैं क्या क्या होना है। सबसे पहले यूज सिंगल एंट्री, पहले आपको क्या करना है प्रेस करना है F11 F12 क्या करना है F12, ये इसकी शॉर्ट की है, पहले इसे आप F12 प्रेस करेंगे। इसके बाद आपके पास एक बहुत लंबा चार्ट खुल के आएगा जिसमें आपके पास कई ऑप्शन होंगे यस और नो करने के, काफी क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको किसी से नहीं बोलना है, सिर्फ इससे बोलना है किससे, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट रिसिप्ट जनरल। इसका मतलब ये है कि इस अब जीएसटी वाली एंट्री में ना पेमेंट आएगा ना काउंटर आएगा ना रिसिप्ट आएगा ना जर्नल आएगा, ठीक है। पहली बात तो हमारी कितनी है एंट्री, देखो कितने वाउचर है F4 F5 F6 F7 F8 और F9,
तो अब हमारी जो है जे जे बैंक के लिए है, ठीक है, जे लेन देन इनकमिंग आउटगोइंग के लिए है, ठीक है, और ये भी इनकमिंग, इसमें भुगतान होता है, इस वाले में भुगतान है, ठीक है, इसमें सिर्फ लेना ही लेन देन है, इसमें भूल चूक है। अब इसके बाद है, इसमें भूल चूक है, अब इसमें क्या है, बेचे गए सामान को, बेच रहे जो सामान जो बेचेंगे वो इसमें आएगा, और जो खरीदेगा सामान तो ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट है, रिसिप्ट है, जर्नल है, सेल्स है, परचेस है, ठीक हमारी है, लेकिन इसमें क्या है, यूज सिंगल मोड एंट्री मोड फॉर पेमेंट कॉन्ट्रा रिसिप्ट और जर्नल। वो क्या कह रहा कि हमें ना इसका यूज करना है, 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 इन चारों का यूज नहीं करना है, ना पेमेंट का। देखिए जब भी जीएसटी की एंट्री बनी उसमें ना कॉन्ट्रा आएगा, ना पेमेंट आएगा, ना रिसिप्ट आएगा, ना जर्नल आएगा, सिर्फ उसमें सेल्स आएगा और परचेस आएगा। ठीक, क्या आएगा, सेल्स और परचेस। सेल्स की शॉर्ट की है F8 और परचेस की शॉर्ट की है F9। और सेल्स परचेस आएगा तो आप जानते हो उसमें दो लेजर और एक अकाउंट देना पड़ता है, ये आपको पहले से ध्यान है। तो इसमें मैंने इसे नो करना है, इस वाले पार्ट को नो करना है, क्योंकि ये हमें इसको यूज के यूज अब है नहीं, तो इसको नो कर देंगे। अब यूज सीआर और डीआर इंसर्ट टू बाय, मतलब क्योंकि क्रेडिटर और रिसीव ओनली सीआर, मतलब क्रेडिटर और डीआर, क्रेडिटर सीआर मतलब देने वाला और डीआर मतलब लेने वाला, सिर्फ इनका यूज ही होगा। सीआर मतलब देने वाला, डीआर मतलब लेने वाला, तो इसे ही यस करना है। अब सिर्फ देना और लेना ही है, ठीक। अब इसमें ना दो सीआर आएंगे, ना टैक्स पे की कोई नहीं आएगी, ना इसमें दो सीआर, ना सिर्फ एक सीआर और एक डीआर है, ठीक। अब इसमें क्या है, इसमें है हमारा यस, इसे यस करना है, सीआर और डीआर यस करना है, ठीक है। यस करने के बाद देखिए जीएसटी में सबसे पहले आपको करना क्या क्या है, क्या क्या नहीं करना, देखिए सबसे पहले इसके स्टॉक बनाने सीखने पड़ते हैं, क्या करने पड़ते हैं, स्टॉक यूनिट, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक यूनिट, स्टॉक आइटम, ठीक। ये तीन बहुत अहम उपयोगी हैं, इसका उपयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ही इसका यूज लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर टैली पर है नहीं, परंतु इसी से ही आगे तक आगे बढ़ने की वो बढ़ सकते हैं, प्रेरणा मिलती है, चाहे आप ऐसा भी कह सकते हैं, इसी से ही आगे बढ़ने के लिए रास्ता खुलता है। ये आप कॉपी पे भी कर सकते हैं, किसी पर भी कर सकते हैं, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक यूनिट और स्टॉक आइटम। अब इसके पश्चात अब आपको क्या करना है, क्या करना है, पहले इसके जीएसटी के लिए, पहले जीएसटी पे क्या है, टैक्स लगता है, ठीक। तो इसके क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले इसके टैक्स कर बनाने हैं कि किसके कितने क्या है। सबसे पहले हमें 2.5% का, फिर 5% का, 9% का, फिर 14% का। इनपुट का बनेगा पहले, इनपुट SGST, ठीक है, इनपुट SGST, इनपुट CGST, ठीक है, इनपुट पहले इनपुट 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 के इनपुट इनपुट के हम एक एक करके सब बता दे रहे हैं, ऐसा कर दे रहे हैं, ऐसा करना है सिर्फ इतनी, पहले इनपुट के कितने बनेंगे, 5% के बाद 9%, फिर इसके बाद 14%, ठीक है, इसमें यही बनना है, इनका सिर्फ यही करना है, इनपुट में यही का 2.5% का बनाना है। अब इसके बाद आएगा आउटपुट का, OUTPUT, आउटपुट SGST, आउटपुट में भी यही करना है, कितने का बनेगा, 2.5% का, कितने का बनेगा, 2.5% का, आउटपुट भी कितने परसेंट का बनेगा, 2.5% का, ठीक है, 2.5% का, ठीक है, इसका कितने का जीएसटी लगाना है, इस पर 2.5%, कितने का लगाना है, 2.5% का, 2.5% के बाद फिर आपको 5% का, 9% का और 14% का, ठीक है, ये इतना ही है, ये इतना ही है, इतना ही है। अब
एससीएसटी हो गया। अब इसके बाद सीजीएसटी बनाना है, तो इनपुट का सीजीएसटी, ये इनपुट इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी का कितना है? 2.5%, 5%, 9%, 14%। तो ये इतना ही रहेगा, ये इतना ही रहेगा, इतना ही। इसमें सिर्फ आपको जब बनाए पहले आप 2.5% का ऑड के साथ सी बनेगा, ऑड के साथ सी के साथ बनेगा, पहले 2.5% का, फिर 5% का, फिर 9% का, फिर 14% का। इसमें नो चेंज, इनपुट का इनपुट सीजीएसटी का बना रहे तो इनपुट सीजीएसटी का ही बनाते रहे, ठीक है। इसमें ना एसजीएसटी लगा ना कुछ, एसजीएसटी का आपका यहाँ बन चुका है, एसजीएसटी का ही बना सक बनेगा। और आउटपुट अब रहेगा, आउटपुट का क्या रहेगा? सीजीएसटी, ओयूटी आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी का कितना? 2.5% का, फिर 14% का, नहीं 5% का, फिर 14% वो 9% का, फिर 14% का, ठीक है। इसमें नो चेंज है, ठीक क्या है, इसमें चेंज कोई नहीं करना है ना। देखिए ये हमारे, अब ये हमारे पहले ये बनना है, क्या बनना है? इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एससीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एससीएसटी, एससीएसटी सॉरी एससीएसटी ऊपर है, सीजीएसटी नीचे है। तो आप इसे किस तरह से बनाएंगे? ऑल्ट के साथ सी प्रेस करके, ऑल्ट प्लस सी, ये इसी से ही बनेगा। जैसे आप लेजर बनाते हैं उसी तरह आपको ये बनाना है, ठीक है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक ऐसे वो शेयर करें, क्योंकि हर व्यक्ति के पास वीडियो पहुंच सके, मेरी वीडियो पहुंच सके, क्योंकि कुछ अभी लॉकडाउन के चक्कर में पहुंच नहीं पा रहे, कई लोग कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, तो इसीलिए मैंने उनके लिए वीडियो बनाई है। तो कृपया करके अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें और लोगों से कहें कि ये वीडियो कीजिए, इससे पढ़े, इस पर ध्यान दीजिए कि इसमें है क्या, क्योंकि अब जो हमारी जीएसटी आने वाली है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो इसकी एंट्रीज रहेगी बहुत इंपॉर्टेंटली है। क्योंकि अब अगर व्यक्ति आगे नहीं करे, मतलब शुरू का स्टार्ट ना करे, तो बीच में करेगा तो वो किसी काम का नहीं रहेगा, वह कुछ काम का ही नहीं रहेगा, क्योंकि जीएसटी उसकी ऐसी चलती रहेगी, ऊपर नीचे, भाई कभी लेवल में नहीं रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा, कभी उसे आ जाएगी एक एंट्री आ गई, कभी उसे नहीं आई। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें पूरी सीनियर कोई भी एंट्री दे तो मुझे चलते रहना है, रुकना नहीं कि अगर एक एंट्री आई तो आगे आ गए, फिर नहीं आ रही तो पीछे आ गए, नहीं चलते रहना है ना। तो कृपया करके आप इस वीडियो को अवश्य देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें मैंने काफी इंपॉर्टेंट चीज बताई है, कल मैं इससे और इंपॉर्टेंट दूंगा, काफी इंपॉर्टेंट बताऊंगा इसमें किसमें क्या करना है। धन्यवाद।